बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मुदस्सर अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल साइबर ग्लिटर। दोस्तों, CCNA का जो आज का हमारा टॉपिक है वो IP एड्रेसिंग। IP स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि IP की क्लास टोटल क्लासेस कितनी हैं और इनकी रेंज क्या है। चलें इसको ज़रा गो थ्रू करते हैं विद पिक्चर। IP की टोटल 5 क्लास हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। क्लास ए कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ पर एंड हो रही है, इसकी रेंज क्या है। 1.0.0.0 टू 126.255.255.255, यह है क्लास ए की रेंज। और इसका बाय डिफॉल्ट जो सबनेट मास्क होगा क्लास ए का वो है 255.0.0.0। क्लास ए का जो एक IP एड्रेस है वो लूप बैक के लिए इस्तेमाल करते हैं। सिस्टम हो या लैपटॉप हो उसका नेटवर्क कार्ड चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आया कि वो ओके है या नहीं, वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। उसको किस तरह चेक करते हैं, आइए विद एग्जांपल हम उसे देखते हैं। सबसे पहले मैं प्रेस करता हूँ विंडो R, तो यहाँ पर लिखता हूँ, टाइप करता हूँ CMD। उसके बाद एंटर टाइप करते हैं लूप बैक टेस्टिंग के लिए कि हमारा नेटवर्क कार्ड प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। तो चलें दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइप करता हूँ पिंग। पिंग बेसिकली कमांड जो है वो IP बेस्ड डिवाइस को कनेक्टिविटी चेक करने के लिए पिंग की कमांड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं चेक करने लगाऊँगा मेरे जो लैपटॉप का नेटवर्क कार्ड है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। पिंग लिखने के बाद मैं वो IP लिखता हूँ 127.0.0.1 और एंटर प्रेस करता हूँ। दोस्तों आप देखें कि नेटवर्क कार्ड प्रॉपर वर्क कर रहा है, सिस्टम का नेटवर्क कार्ड प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा उसको चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरी क्लास बी है। क्लास बी की रेंज 128 से लेकर 191 तक है और इसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क 255.255.0.0 है। इसी तरह क्लास सी है 19, जिसकी रेंज है 192.0.0.0.2223 और इसका सबनेट मास्क है 255.255.255.0। इसी तरह क्लास डी जिसकी रेंज है 224.0.0.0.239.255.255.255, ये बेसिकली रिजर्व्ड फॉर मल्टीकास्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह क्लास ई है जिसकी रेंज है 240.0.0.0.2254.255.255.255, ये एक्सपेरिमेंटल के लिए यूज़ करते हैं। दोस्तों IP एड्रेस बेसिकली 32 बिट का होता है और इसका एक ऑक्टेट 8 बिट पर मुश्तमिल होता है। एक ऑक्टेट मींस 1, जिस तरह 1 है, 1 के बाद डॉट है, डॉट के बाद फिर 0 है, 1.0.0.0. IP क्लास ए में 1 मींस ये जो 1 है ये 8 बिट का है। कितने बिट का है? 8 बिट का। और 0 जो है वो कितने बिट का है? वो भी 8 बिट का। और नेक्स्ट जो 0 है वो कितने बिट का है? 8 बिट का। इसी तरह दोस्तों IPv4 32 बिट का होता है। दोस्तों ये था आज का हमारा लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।